20 अक्टूबर का इतिहास दिल्ली में बम धमाकों के दुखद यादों से जुड़ा हुआ है। 29 अक्टूबर 2005 को धनतेरस के दिन दिल वालों की दिल्ली जब पूरी तरह त्योहारों में मशगूल थी, उस समय राजधानी के कई हिस्सों में हुए बम धमाकों ने सबको हिलाकर रख दिया था। इन धमाकों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ओडिशा के लिए भी 29 अक्टूबर दुखद यादों से जुड़ा हुआ है। 1999 में आज के ही दिन सुपर साइक्लोन ने राज्य के पारादीप इलाके पर कोहराम मचा दिया। 260 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया जिससे लाखों लोग बेघर हो गए और 10,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। इस दौरान 4.5 लाख से ज्यादा जानवरों की भी मौत हो गई। तबाही का वो मंजर आज भी याद कर ओडिशा के लोग सहम जाते हैं। आज के दिन 1863 में जेनेवा में 27 देशों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। हालांकि हेनरी ड्यूनेट ने 9 फरवरी 1863 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 5 लोगों की कमेटी बनाकर इस संस्था की स्थापना की थी, लेकिन इसी साल 29 अक्टूबर को जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों ने मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी को कानूनी मान्यता दी। ये सोसाइटी आपातकालीन स्थिति और युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए काम करती है और ये सुनिश्चित करती है कि संघर्ष के सभी पक्ष मानवीय कानून का पालन करें। दोनों विश्व युद्धों के दौरान इस सोसाइटी के प्रयासों को 1917 और 1944 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।